हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रथम कोट की अभिक्रिया। प्रथम कोट की अभिक्रिया किसे कहते हैं, क्या होती है, आज हम लोग पूरा डिटेल में उसका देखने वाले हैं। प्रथम कोट की अभिक्रिया तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्रथम कोट की अभिक्रिया कहते किसे हैं। तो प्रथम कोट की अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है प्रथम कोट की अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जो केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है इसे हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि अभिकारक की प्रथम घात पर निर्भर करती है। माना हम लोग एक सिंपल एक कोई रिएक्शन ले लेते हैं, कोई एक अभिक्रिया। माना ए कोई अभिकारक है और कुछ समय बाद बी में बदल जाता है। शुरू में ए का जो सांद्रण है वो 1 ग्राम है, 1 ग्राम है। अभी टी बराबर 0 समय है, टी बराबर 0 समय यहाँ पे लेते हैं, मतलब अभी अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है। उस कंडीशन में यहाँ पर ये लेते हैं कि यहाँ पर जो अभिकारक है उसकी जो सांद्रता है वो 1 ग्राम है और टी बराबर 0 समय अभी, तो अभिक्रिया अभी स्टार्ट नहीं हुई है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम लोग लेते हैं एक्स ग्राम बनेगा, तो एक्स बराबर अभी 0 ग्राम हो जाएगा, एक्स बराबर 0 ग्राम। लेकिन अगर हम लोग बात करें बहुत ही सूक्ष्म समय की, यानी कि मान लेते हैं एक बहुत ही सूक्ष्म समय डीटी समय में, तो डीटी समय में एक्स ग्राम प्रोडक्ट बन जाता है, एक्स ग्राम अभिकारक एक्स ग्राम उत्पाद बन जाता है। तो यहाँ पर जो अभिकारक की अभी सांद्रता बचेगी वो ए माइनस एक्स बचेगी। शुरू में ये थी, ए में से एक्स ग्राम प्रोडक्ट में बदल गया, उत्पाद बन गया, तो यहाँ पर ए माइनस एक्स इसकी सांद्रता बची है। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा, अभी क्रिया की दर क्या होगी, तो डी एक्स अपॉन डी टी हम लोग जानते हैं ये समानुपाती होगा इस अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होगा, ए माइनस एक्स के समानुपाती होगा। अब यहाँ से हम लोग अगर समानुपाती का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर एक स्थिरांक आ जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू के ए माइनस एक्स। यहाँ पे जहाँ के क्या है, जहाँ के बराबर दर स्थिरांक, की बराबर दर स्थिरांक। अब आगे बढ़ते हैं, हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दे रहे हैं, समीकरण नंबर 1। अब समीकरण नंबर 1 को थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो इस डी टी को इधर भेज देंगे और ए माइनस एक्स को इधर भेज देंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी टी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स इधर आ जाएगा और यहाँ पे के इंटू टी इक्वेशन नंबर 2।
अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर दो, कि दोनों पक्षों का समाकलन करने का, समाकलन करने पर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, समाकलन का साइन है डी एक्स अपान ई माइनस एक्स इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा के इंटू टी। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर इसको भी लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे छोड़ देते हैं, यानी कि डी एक्स अपान ए माइनस एक्स इक्वल टू, यहाँ के जो है एक स्थिरांक है, कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा कि, और यहाँ पर हो जाएगा सिर्फ डी टी से, सॉरी यहाँ पर डी टी था तो के इंटू डी टी, यहाँ पर डी टी। तो अब यहाँ पर इसका जब समाकलन करेंगे तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं डी टी का समाकलन क्या हो जाता है, सिर्फ टी डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स और यहाँ पर के इंटू डी टी का जब समाकलन कर देंगे तो यहाँ से निकल करके टी आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि जहाँ डी टी बराबर टी, तो यहाँ पर इसकी जगह पर हम लोग इसकी टोटल की जगह पर टी रख दिए। अब आगे देखते हैं, आगे हम लोग इसका क्या करेंगे, यहाँ पे इसका समाकलन करना है, तो इसका समाकलन हम लोग ई माइनस एक्स बराबर कुछ मान लेते हैं, चलो जनरली हम लोग यहाँ पे पी मान लेते हैं, तो ई माइनस एक्स बराबर पी, यहाँ पे माना ई माइनस एक्स बराबर पी। अब इसका अगर हम लोग अवकलन कर दें तो यहाँ से हो जाएगा ए, अगर इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ से डी ए का अवकलन करेंगे तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस एक्स का अवकलन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस डी एक्स, और पी का अवकलन करेंगे तो डी पी। अब यहाँ पे माइनस को इधर भेज दे रहे हैं तो डी एक्स इक्वल टू माइनस डी पी हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर तीन मान लेते हैं और इसको चार। अब समीकरण नंबर तीन और चार की जो वैल्यू है उसको उठा करके समीकरण नंबर इधर इसको हम लोग समीकरण नंबर तीन और चार की जो वैल्यू उठा करके इसमें हम लोग पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा समाकलन लगा हुआ था डी एक्स था, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे डी एक्स है, तो डी एक्स की जगह पे हम लोग क्या पुट कर दें, यहाँ पे डी एक्स है, डी एक्स की जगह पे हम लोगों को पुट करना है माइनस टी पी, तो माइनस टी पी, और ये माइनस एक्स की जगह पे हमको क्या पुट करना है, यहाँ से ये माइनस एक्स की जगह पे हमको पी पुट करना है, तो माइनस टी पी पी और इक्वल्स टू यहाँ पे है के इंटू टी, तो यहाँ पे हम लोग इसको कर देते हैं के इंटू टी, क्लियर। अब यहाँ पर इसका हम लोग जानते हैं कि माइनस बाहर हो जाएगा, माइनस बाहर, और यहाँ पे डी पी अपान पी इक्वल टू के इंटू टी। अब यहाँ पे अगर इसका समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि वन बाई पी, इस तरीके से अगर इसका समाकलन होता है वन बाई पी, और यहाँ पे डी पी लगा हुआ है तो ये लॉग पी देता है, तो यहाँ पे हम लोग वही करने वाले हैं, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग p इक्वल टू के इंटू टी, और यहाँ पे प्लस c भी होगा, यहाँ पे प्लस c भी आ जाएगा, एक कांस्टेंट लगता है समाकलन करते समय, समाकलन जब करते हैं तो लास्ट में कांस्टेंट जोड़ देते हैं यहाँ पे, और इसका जो लॉग का जो बेस होगा वो e होगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, अब p की जगह पे इसकी वैल्यू को उठा करके पुट कर देंगे, p की वैल्यू क्या है, क्या है ये माइनस एक्स, यहाँ पे हो जाएगा माइनस लॉग बेस ई माइनस एक्स प्लस सी इक्वल्स टू के इंटू टी इक्वल्स टू के इंटू टी। तो अभी हम लोग यहाँ से सी को इधर भेज देते हैं तो माइनस लॉग ई माइनस एक्स इक्वल टू के इंटू टी, और इधर आएगा सी, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस सी। अब यहाँ पर
टी बराबर अगर जीरो रख दें, टी बराबर जीरो यानी कि अभिक्रिया भी अगर स्टार्ट नहीं हुई है तो टी बराबर जीरो समय में यक्स जो होगा यक्स बराबर जीरो होगा, क्योंकि कोई प्रोडक्ट नहीं बना होगा, तो यक्स बराबर जीरो रखने पर तो हो जाएगा माइनस लॉग बेस ई, और यहाँ पर यक्स बराबर जीरो रख देंगे तो इतना टर्म टोटल जीरो हो जाएगा और यहाँ पर सिर्फ बचेगा ए, और इधर टी बराबर जीरो रखेंगे तो ये टोटल जीरो हो जाएगा और यहाँ पर सिर्फ बचेगा माइनस सी, तो माइनस सी। अब यहाँ से माइनस कट जाएगा तो यहाँ पर सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, लॉग ई बेस, लॉग बेस ई और ए, तो इस वैल्यू को उठा करके हम लोग पुट कर देंगे इसकी जगह पर, इसी इक्वेशन उठा करके पुट कर देंगे, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 5 मान ले रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सी, सी का मान समीकरण 5 में रखने पर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस लॉग बेस ई ए माइनस एक्स और इक्वल टू के इंटू टी, और सी की जगह पे पुट करने वाले हम लोग लॉग बेस ई और ए। अब इस पूरे टर्म को उठा करके इधर लेके आएंगे लॉग की तरफ, तो ये भी माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि लॉग बेस ई और लॉग बेस ई और यहाँ पे ए है तो ए, और ये वाला माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स इक्वल टू के इंटू टी। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं, फार्मूला जानते हैं लॉग का, कि लॉग एम माइनस लॉग एन बराबर होता है लॉग एम बाई एन, वही फार्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं लॉग का। तो लॉग एम की जगह पे क्या है, ई है, लॉग माइनस लॉग एन की जगह पे क्या है, ई माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा लॉग बेस ई और यहाँ पर हो जाएगा एम मीन्स ए और एन मीन्स ए माइनस एक्स इक्वल टू के इंटू टी। थोड़ा सा इसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, तो यहाँ से भी हम लोग निकालेंगे के बराबर निकालेंगे, तो ये जो टी है टी इधर आएगा तो इधर भी मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवाइड करेगा, यानी कि 1/t हो जाएगा, यहाँ पे 1/t लग जाएगा, यानी कि हम निकालने वाले हैं के बराबर। तो यहाँ पे हो जाएगा, चलिए इक्वेशन को हम लोग लिख लेते हैं, लॉग ई ए माइनस एक्स था, लॉग ई ए माइनस एक्स था और यहाँ पर इक्वल टू के इंटू टी था, ए बाई ए माइनस एक्स इक्वल टू के इंटू टी था। तब यहाँ से हम लोग के बराबर अगर निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/t, टी इधर आएगा तो 1/t हो जाएगा, लॉग बेस ई और ए बाई ए माइनस एक्स इक्वल टू के। अब यहाँ पे जो लॉग ई है, अभी बेस ई है, इसको हम लोग बेस 10 बनाएंगे, तो हम लोग जानते हैं कि बेस 10 बनाने के लिए हम लोगों को 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2.303 अपॉन टी लॉग, यहाँ पे अब 10 हो जाएगा और ए बाई ए माइनस एक्स इक्वल्स टू के। ये जो हम लोगों का है फाइनल प्रथम कोट की अभिक्रिया का समीकरण है। थैंक यू, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों तक आराम से पहुंच जाए। थैंक यू।